लव इज इन द हेयर। हाय, मैं हूँ अंजलि एंड यू वॉचिंग मिर्ची बायोस्कोप। सिर्फ गोरी लड़की चाहिए, इन शॉर्ट जो गोरा है वो सुंदर है। माना बाला लहराते बालों की वजह से रखा था। बच्चन भैया हम स्कूल में हीरो थे, हीरो। अमिताभ बच्चन अवतार के रोल में कैसे जी सकता है? बाला नाम तो सुना होगा। नहीं सुना। वो वैसे अपने बॉलीवुड में बालों से प्यार तो हमेशा रहा है। कम ऑन यार, हीरो ने हीरोइन को प्यार से देखा नहीं कि हीरोइन के बाल ला 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 ला
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर फिल्म में विलन की एंट्री हो? मैं गम खुश हुआ। बाय द वे उसमें तो सर में बाल ही नहीं थे। खैर, इस हफ्ते की फिल्म है बाला, जिसमें बाल की खाल निकालते हुए स्मॉल टाउन स्टोरी के शाकाल आयुष्मान खुराना। और आयुष्मान खुराना फिल्म में कर क्या रहे हैं, फेनिस क्रीम की कंपनी में मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं और खुद के गंजेपन से आइडेंटिटी लॉस से ग्रसित हैं। जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते फटती है हमारी, लगता है धसेगी हम पे देख के। का बैकग्राउंड कानपुर में है, यानी कि कानपुर का है, जहां पर ऑडियंस जो है वो पागल ही हुई जा रही है, क्योंकि डायलॉग बाजी यहां पर समझो कि ये कंटा पे कंटा पे कंटा। हमें डर लगता है कि एक दिन अचानक इस फिल्म का दी एंड हो जाएगा। हम कोई फिल्म नहीं है बेबी, हम तो एकता कपूर का सीरियल है। आज खुशी का दिन है, आया बिल्कुल लल्लंटा। इमोशन इमोशन, सोडा पानी नींबू के साथ क्या पिएंगे। तो दूसरी तरफ टिकटॉक वीडियोस के रेट्रो गाने से तो ऑडियंस पगला ही जाती है। और बीच बीच में आयुष्मान खुराना की मिमिक्री को देखकर तो ऑडियंस हंसते हंसते खुद के बाल नोचने लगती है। वैसे मेरा फेवरेट सीन तो वो है जब आयुष्मान खुराना और जावेद जाफरी एक यू नो सीढ़ी के पास बैठे हुए हैं और वहां पर अपने अंदर के बच्चन को निकाल रहे हैं। हाय, वैसे फिल्म में बाला यानी कि आयुष्मान खुराना के सर पे बाल तो नहीं है, पर फिल्म में उन्हें दो दो बालिकाएं जरूर मिली हैं। उनमें से सबसे पहले, क्या आपकी टूथपेस्ट में काला रंग है? मुझे नहीं पता, पर सारा का सारा काला रंग भूमि पडनेकर के चेहरे पे जरूर है। दूसरी तरफ चार बूंद वाला उजाला से भी ज्यादा सफेद है अपनी लवली एंड फेयर वाली यामी गौतम। आज तुम्हारे पापा तुम्हें बाल गिफ्ट कर रहे हैं बेटा। बाला, नाम तो सुना होगा। नहीं सुना। तो फिर आज एक जिंदगी और जी लो, एक नाम और जान लो, क्या पता कल हो ना हो। आयुष्मान के पिता के किरदार में सौरभ शुक्ला हो, या फिर भूमि की मौसी बनी हुई सीमा भार्गव हो, या फिर जावेद जाफरी हो, या फिर फिल्म के वॉइस में यानी कि फिल्म के सूत्रधार बने हमारे विजय राज, ये सब फिल्म को कमज़ोर पड़ने नहीं देते हैं और पूरी की पूरी स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुदगुदाती रहती है आपको। फिल्म के पॉपकॉर्न मोमेंट्स में तो भाई यहाँ पर कानेपुर का लोकल टच, हर कैरेक्टर 16 आना सच। ने बड़े चूतिया को इतनी सुंदर लड़की दिल दे दी, बताए तो दिए हो ना उसको। हमने फैसला कर लिया, प्रतिरोपण करवाएंगे। अरे उससे अच्छा तो तुम्हारा यही टापू है भैया, जो सर में लगा घूमते हो पूरा दिन। टाइम ही जाएगा। अरे फालतू इंसान, तेरी शादी हिट या फ्लॉप। तो पूरी फिल्म देखने के बाद जो चीज़ सामने आती है कि जो भी जैसा भी है, आड़ा तिरछा काला है, खुद से प्यार करके देखो, सबके अंदर बाला है। अरे वाह, ठोको ताली। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अक्षय कुमार को अपना जो बाला गाना है उसको आयुष्मान खुराना को देना चाहिए था, क्योंकि वो ज़्यादा जस्टिफाई करता है। एंड फाइनली फिल्म को मिर्ची 5 में से 3.5 मिर्ची, और ऐसे करने से बाल जो हैं वो झड़ते कम हैं। बी एड यू बेबी यू, और ये बेबी यू क्या है ये फिल्म में देखकर आपको पता चल जाएगा। बेबी प्लस बाबू का एक नया वर्जन बेबी यू, थैंक्स टू आयुष्मान खुराना। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके बाल मैं बोलूँ क्या, डर लग रहा है। बाल झड़ेंगे। तौलिए में फंसेंगे। कंघी में जाएंगे। गर्लफ्रेंड नोचेगी।